कैसे है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज है, अभी बज रहा है 11:30 और आज है संडे, तो संडे है तो देखती हूँ कुछ खास बनाने जा रही हूँ। तो बेटी ने बोला है तो बनाना पड़ेगा, बच्चे बोलते हैं तो देखिए आप लोग क्या बनाने जा रही हूँ, आगे ब्लॉग में देख ही लेंगे। और मैंने सोचा बात कर लेती हूँ आप लोगों से, क्योंकि मैं बात नहीं कर पाती हूँ ज़्यादा, काम करने के बीच में भूल भी जाती हूँ कि मेरी वीडियो स्टार्ट है, आप लोगों से बात भी करनी है, तो इस वजह से भी रह जाता है कि मैं बात नहीं कर पाती हूँ। तो चलिए मैं ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ, तो चलिए किचन में चलते हैं अभी। तो मैं लगा देती हूँ कैमरे को इधर, तो आप लोग देखिए किस तरह मैं जा रही हूँ छोला बनाने और आटा लगाऊंगी। फिर पहले आटा लगा लेती हूँ, आप लोग देखिए मैदे को भूनना, सॉरी आटा बोल रही हूँ, तो मैदे का भटूरी का डोट तैयार कर लेती हूँ। तो पहले आप लोग देखिए मैदे का, मैंने जो भटूरी के लिए डोट तैयार किया है वो किस तरीके से तैयार किया, आप लोग देखिए पहले। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं भटूरे का डोट तैयार करने जा रही हूँ। तो यहाँ मैदा मैंने ले लिया, मैदे को मैंने पहले से ही चाल लिया है अच्छे से चलनी से, और मैं इसमें कुछ भी ऐड नहीं करूँगी, सिर्फ मैं दही से, दही या आप छाछ है आपके पास वो डालिए। तो यहाँ पर मेरे पास दही है तो मैंने उसको अच्छे से स्पून की मदद से ही मिक्स करा है, और उसमें थोड़ा सा पानी डालकर उसको पतला कर लिया है। और अगर आपके पास छाछ है तो वो ले लीजिए, और दही खट्टी है तो कम कर लीजिए, मेरी दही नॉर्मल है, बहुत खट्टी भी नहीं है और सादा भी नहीं है, तो ठीक है, ठीक ठीक है मेरी दही तो थी। और इसीलिए अभी मैं इसी की मदद से थोड़ा सा गूंदूँगी और पानी इसमें डालूँगी बस, और पानी मैं बहुत थोड़ा थोड़ा डालूँगी क्योंकि मैदा ज़्यादा पानी नहीं सोखता है, तो हमको आटे का ये जो डो है इसको थोड़ा सा टाइट ही रखना है, बहुत टाइट नहीं, एकदम पूड़ी की तरीके से तो नहीं रखना है। तो देखिए मैं किस तरीके से इसका डो तैयार करती हूँ। ये देखिए मैंने आटा लगा लिया है, ये डो मेरा भटूरे के लिए रेडी हो गया, मैंने इसको काफ़ी अच्छे से मसला, लेकिन इसको थोड़ी देर नहीं कम से कम मैं इसको 2 घंटे के लिए रख दूँगी, ताकि ये मेरा अच्छे से फूल जाए मैदा, और मैदा अगर अच्छे से फूला रहेगा तो ही हमारे भटूरे अच्छे बनेंगे। तो मैदा रख दिया मैंने 2 घंटे के लिए, तो और तब तक मैं इधर छोले वोले बना लेती हूँ। तो छोले बना रही हूँ, तो छोलों को मैंने पहले ही बॉईल कर रखा था, और कढ़ाई पे ऑयल गरम हो रहा है, उसमें जीरा डालूँगी, कड़ी पत्ता डालूँगी, और ये प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट है वो ऐड कर रही हूँ। और मैं इसमें हींग डालना, पहले जब मुझे तेल डालना था तभी मुझे हींग डालनी थी, भूल गई थी डालना, तो फिर बाद में मैंने इसमें थोड़ी सी हींग डाली है। तो हो जाता है कभी कभी, घर में सभी के साथ होता है कि कुछ काम करते करते कुछ ना कुछ भूल ही जाते हैं, तो हींग पहले ही ऐड करनी थी लेकिन नहीं की, तो भी मैंने इसमें बाद में भी हींग ऐड कर दी थी हल्की सी, क्योंकि छोला है थोड़ा मसाले वगैरह ज़्यादा होंगे तो ये गैस्ट्रिक थोड़ा सा कम कर देगी हींग, इसलिए हींग डालना ज़रूरी है मसाले वाली सब्ज़ियों में, इसलिए ऐड कर रही हूँ। और कोई बिना मसालों की सब्ज़ी होती सूखी तो उसमें एक बार को नहीं भी डालती हूँ मैं।
तो जब तक मेरी प्याज हो रही है और तब तक मैं मसाले निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने हल्दी लिया है और लाल मिर्च पाउडर लूँगी। तो ये लाल मिर्च मार्केट की है पिसी हुई, तो ये ज़्यादा तीखी नहीं है, इसलिए मैंने 2 चम्मच लिया है। तो 2 चम्मच छोटा वाला चम्मच है, बहुत बड़ा नहीं है, तो ये तीखी भी नहीं होगी। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ ये थोड़ा सा धनिया लिया है मैंने, आधा चम्मच लिया है, बड़ा चम्मच है तो इसलिए आधा चम्मच लिया है। छोटा चम्मच होता तो मैं 1 चम्मच लेती हूँ। और ये गरम मसाला ले रही हूँ आधा चम्मच। और थोड़ा सा धनिया पाउडर भी ऐड किया, ये मैंने धनिया पाउडर नहीं, सॉरी, इसमें मैंने ये मीट मसाला मैं ऐड करती हूँ। जब भी कोई मसाले वाली सब्ज़ी होती है तो मुझे मीट मसाला जब डाल दो तो उससे सब्ज़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा मुझे और भी सब्ज़ियों में डालते हुए, तो मैं मीट मसाले का भी थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं डालती हूँ, थोड़ा सा ही डाल दो तो उससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है। और मैं इसको पानी थोड़ा सा डालकर इसको अच्छे से घोल बना लेती हूँ। और फिर ये प्याज भी मेरी हो गई है जब तक, तो अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी मसालों को घोलने के बाद। और फ्रेंड्स, मेरी छोले की वीडियो अलग से पहले से ही है, अभी मैं व्लॉग है तो इसमें मैंने दिखा दिया है थोड़ा सा कि, तो आप लोग देखिए। और आप लोग अगर अलग से देखना चाहते हो, मैं उसमें मैंने छोला थोड़ा सा अलग तरीके से बनाया है, मैं लिंक देने की कोशिश करूँगी आप लोगों को, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हो। मैंने छोला बना रखा है पहले से ही, रेसिपीज़ की अलग से डाली हुई है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये छोला मेरा बन के रेडी हो गया है और मैंने इसमें लास्ट में धनिया डाल दिया, तो बन के रेडी है। और अब मैं बनाने जा रही हूँ भटूरे। मेरा छोले रख दिए थे काफ़ी पहले, बन गए थे, लेकिन मैंने जब मेरा मैदा अच्छे से फूल गया है उसके बाद ही मैंने भटूरे बनाए 2 घंटे बाद। सब्ज़ी वगैरह तो पहले ही बना ली जाती है, थोड़ा भी है कुछ भी होता है तो भटूरे हैं तो ये सब गर्म ही गर्म अच्छा लगता है, तो जब खाने का टाइम होता है तो ही बनाते हैं। तो ये टाइम हो रहा है मेरा करीब 1:30 बजे है, तो उस टाइम मैं भटूरे बना रही हूँ, तो सब लोग खाने के लिए बैठे हुए थे तब मैं बना रही हूँ भटूरे। और छोले तो काफ़ी पहले ही बन गए थे जब मैंने मैदा लगाया था, उसके बाद ही मैदे का डो तैयार किया था, उसके बाद ही मैंने छोले बना लिए थे। तो अभी पहले मैं सब लोइयाँ छोटी छोटी इसकी गोल गोल लोइयाँ काट के रख लूँगी और गैस चला देती हूँ ताकि मेरा ऑयल भी गर्म होता रहे तब तक। और भटूरों के लिए ऑयल अच्छे से गर्म होना चाहिए हमारा, वरना भटूरे अच्छे से फूलते नहीं हैं, तो इसलिए मैंने गैस भी ऑन कर दी है ताकि ऑयल अच्छे से इधर गर्म होता रहे। और मैंने लोइयाँ तोड़ ली हैं, तो अब मैं करीब 4-5 मैं पहले बेल के रख लूँगी, उसके बाद ही सेकूँगी। मैं तो बेल के ही बनाती हूँ, मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, तो वही आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो आप लोग बताइएगा आप लोग किस तरीके से भटूरे बनाते हैं
और मेरे भटूरे इसी तरीके से बहुत अच्छे बनते हैं, सॉफ़्ट भी होते हैं। वरना मैंने तो देखा है मार्केट वगैरह जैसे हलवाई वगैरह बनाते हैं शादी वगैरह में खाओ तो वो बहुत टाइट सा हो जाता है ठंडे होने पे भी, और जो मेरे भटूरे हैं ठंडे होने के बाद भी आप बहुत अच्छे से खा सकते हो, बिल्कुल भी टाइट नहीं होते हैं। और अभी मैं थोड़ा सा मैदे का टुकड़ा डाल के देख रही हूँ कि ऑयल गर्म हो गया है कि नहीं, तो अभी हुआ है बट उतना गर्म नहीं हुआ है ऑयल, और भी हमें चाहिए इसके लिए अच्छे से गर्म एकदम ऑयल भटूरे के लिए, तभी हमारे भटूरे फूलेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए मेरे लंच हो गया बन के रेडी, और मैं लंच कर लूँगी, उसके बाद कोई भी वीडियो मैंने नहीं बनाई। और फ्रेंड्स मेरे भटूरे बहुत सॉफ्ट फुले फुले बने थे सारे, बहुत ही यम्मी लगे थे, बहुत अच्छे लगे थे भटूरे खाने में। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। ये देखिए मेरी थाली हो गई तैयार खाने के लिए। तो फ्रेंड्स आज है संडे, इसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई और शाम का टाइम है, तो जैसा कि सभी को पता है हमारे माननीय मोदी जी ने बोला था कि आज शाम को 9 बजे सभी को अपने घरों से बाहर निकल के एक एक दिए जलाने, तो एक एक दिए की जगह सब ने दीपावली जैसा माहौल बनाया, बहुत सुंदर लगा। तो हमारे माननीय मोदी जी ने बोला था तो भाई उनका आदेश तो मानना ही था, तो सभी ने माना। और आप लोगों ने कैसे मनाया, इस तरीके से दिए कैसे जलाए, तो बताइएगा किन किन ने जलाए थे दिए। तो देखिए हमारे घर का माहौल बाहर का कितना सुंदर लग रहा था, नज़ारा इतना सुंदर दिखते बन रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था दीपावली जैसा माहौल हो गया था। तो फ्रेंड्स देखिए आप लोग आगे, और वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और बगल में जो बेल आइकन आती है उसको भी प्रेस करिएगा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखिएगा सब लोग।